हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग क्लोजापिन के बारे में। नॉर्सेस से काफी सारे क्वेश्चंस इस ड्रग से पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो एक एंटीसाइकोटिक है जो सेकंड जनरेशन से बिलोंग करता है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। इसीलिए इसके साइड इफेक्ट जो आपको देखने को मिलेंगे वो कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। सेकंड पॉइंट जो पूछा जाता है, क्लोजापिन का लीस्ट ईपीएस होता है, एक्स्ट्राग्रामेटिकल सिम्टम सबसे कम जो देखा जाता है वो क्लोजापिन ड्रग के साथ देखा जाता है। थर्ड पॉइंट याद रखेंगे, जो ए ग्रैनुलोसाइटोसिस करवाता है, इसीलिए किसी भी पेशेंट की जिसकी क्लोजापिन चल रही हो, पीरियडिकली हमें WBC का लेवल मॉनिटर करना होता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है और नॉर्सेस 2020 में पूछा गया था, फर्स्ट सिक्स मंथ अगर आप किसी को क्लोजापिन ड्रग चला रहे हैं तो फर्स्ट सिक्स मंथ में एवरी वीक आपको उसका WBC का लेवल चेक करना है। 6 months to 1 year, अगर 6 महीने से 1 साल तक आप चला रहे हैं तो हर 15 दिन में आप चेक करोगे, और अगर 1 साल से ज्यादा हो चुका है ड्रग को चलते हुए तो आप हर महीने चेक करोगे WBC का लेवल। ये 3 पॉइंट के बाद बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, वेट गेन। एक साइड इफेक्ट है जो काफी बार पूछा जाता है क्लोजापिन ड्रग का, एक साइड इफेक्ट होता है वेट गेन। तो बच्चे, पेशेंट का वेट हमेशा मॉनिटर करो। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट स्किजोफ्रेनिया काफी बार पूछा जाता है, TRS, ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट स्किजोफ्रेनिया में कौन सी ड्रग यूज करी जाती है, आंसर जाएगा क्लोजापिन। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। क्लोजापिन ड्रग ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करती है, इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट का आपको सुपाइन एंड स्टैंडिंग दोनों पोजीशन में बीपी को मेजर करना है ताकि आप ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन को रूल आउट कर पाओ। तो ये 5 क्वेश्चन है जो क्लोजापिन ड्रग से बनते हैं। थैंक यू।